गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का दिन शुरू हो गया है, अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं। हमारी ट्रेन ऑन टाइम ही थी बट पता नहीं क्या हुआ, अभी आउटर पे खड़ी है, स्टेशन पे नहीं आई है और हम लोग अपनी अपनी सीट से नीचे उतर के आके बैठ गए हैं। हम लोग रेडी हैं उतरने के लिए। और रात को दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी दीदी ने मेडिसिन ली है, देखते हैं क्या होता है। शायद थोड़ा रेस्ट रेस्ट करेंगे तो आराम मिल जाएगा। बाकी दवाई खा ली दीदी ने, इसकी वजह से थोड़ा सा मूड हम लोग का ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाओ और अगर हेल्थ सही नहीं रहते तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए बेचारी सुस्त सुस्त सी हो गई है। रात को काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, अभी देखते हैं। फर्स्ट टाइम ही है मेरे आंखों पे, पता नहीं क्या कुछ काट लिया या क्या, यहाँ पे दाना निकल गया, पता नहीं क्या हो रहा है, तो देखते हैं उधर के फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। पता नहीं अब ट्रेन लग रहा है लेट हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो हो गया हमारे उतरने का और स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं खड़ी है ट्रेन, फिर भी देखते हैं। लेट्स सी। तो अभी हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, कोई हमें लेने के लिए आ रहा है। गलती हमारी ही है, हमने ट्रेन उतरने से पहले नहीं बताया था कि हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है, हमने स्टेशन पे उतर के फिर इन्फॉर्म किया। तो अभी से वो लोग निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है लेने के लिए, पर कोई तो आ रहा है। दीदी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, मीनवाइल चाय लेके आए हैं हम, तब तक चाय पीते हैं शायद इससे थोड़ा अच्छा लगे देखो, बाकी आगे देखते हैं। मूड थोड़ा सा तो ख़राब हो ही गया है, एक तो मेरा यहाँ पर पता नहीं, इसमें कैमरे में पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे मेरा दाना हो गया है और दीदी की तबीयत। तो अभी सचिन जी जो आ गए हमें रिसीव करने के लिए, अभी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर से, तो अभी आगे आपको अंदर चल के कुछ मिलाते हैं। अभी किसी का कॉल अटेंड कर रहे हैं, दीदी अभी थोड़ा ठीक फील कर रही है। मुझे तो लगा कि नहीं मर पूरा मर जाए। तो अभी हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं और यही इसी स्टेशन पे नेहा दीदी लोग भी, अभी उन लोगों की भी ट्रेन आने वाली है, तो सचिन जीजू ने कहा कि साथ में ही चलते हैं सब लोग। तो अभी दीदी की तबीयत खराब होने की वजह से वो बोले कि आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तो चाह रही थी कि मैं स्टेशन पे जाऊँ मैं भी रिसीव करने, पर उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर दी उन्होंने, पार्किंग में बैग वैग हमारा सब रख दिया गया पीछे दिख रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप लोग गाड़ी में भी बैठो और हम लोग सरप्राइज भी दे देंगे। उन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग भी स्टेशन पे आ गए हैं, तो हम लोग गाड़ी में बैठे तो वो लोग जैसे ही गाड़ी की तरफ आएंगे उन लोगों को सरप्राइज मिल जाएगा, हम लोग धप्पा मारेंगे धप्पा, तो इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। उन लोगों की भी ट्रेन आने वाली है, आई गेस 10 मिनट्स में, हाँ विद इन 10 मिनट्स आ जाएगी, उन्होंने ऐसा बताया है। और इतनी देर तक मैं खड़ी नहीं रह सकती। हाँ दीदी की तबीयत का भी वहाँ पे जैसे तैसे अभी तक होल्ड करके रखा हुआ था, बैठी थी स्टेशन पे, तो फिर इसलिए भी हम गाड़ी में ही आ गए कि यहीं बैठते हैं, दीदी खड़े नहीं हो पाती वहाँ स्टेशन पे, तो इसलिए अभी नेहा दी लोग आ गए स्टेशन पे, हम लोग अभी गाड़ी के अंदर छुप के बैठे हैं क्योंकि सरप्राइज देना है। अभी नजर मिल गई। सबको पता है मुझे बच्चों से कितना प्यार है और आते ही मुझे मिल गई है, ये मीसू दीदी की बेबी है और आते ही मैंने देखा है। अभी सामान शिफ्ट हो रहा है गाड़ी में, हम लोग पैक करें, सारी लेडीज पार्टी एक साथ जाएंगे, बाकी जेंट्स लोग अलग जाएंगे, तो शिफ्टिंग चल रहा है, इधर भरत मिलाप चल रहा है, मैं सबसे मिल रही हूँ, मिलते टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरे को ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा कि मिलते मिलते वीडियो बनाओ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अभी घर चल के मिलते हैं। ये क्या था, ढोल भी आए शायद। नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी।
यहाँ पे जो भी आ रहा था तो उसका ढोल से स्वागत हो रहा था, तो यहीं पे ढोल वगैरह बज रहा है। हम लोग आए तो दीदी गाड़ी से बाहर नहीं निकली, क्योंकि आते आते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी ने बोला कि फिर भी जाओ शूट वगैरह कर लो, सबसे मिल लो, तो मैं दीदी के बिना तो अंदर कैसे जाती, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बस यहाँ पे गाड़ी से बाहर निकल के शूट कर लिया थोड़ा सा। दीदी अंदर ही थी बिल्कुल, हमने सोचा कि बाहर से ही बाहर हम पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि पहले इसके पहले गाड़ी में बैठी थी तो ठीक थी, पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई दीदी की, तो इसीलिए वो उतरी नहीं। उधर ही सुधर हम पहले उनको डॉक्टर के पास लेके गए। यहाँ पे जितनी भी छोटी कन्याएं थी उन सब का फुटप्रिंट लिया गया, तो वही हो रहा है। सबसे पहले ताशी का फुटप्रिंट लिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी जी हेलो। हेलो आती हूँ थोड़ी देर में। काफ़ी देर हो गए हैं, मैंने ब्रश व्रश करके खाना भी खा लिया, अब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये वही गोलू है जिनके बारे में मैं आपको अपने व्लॉग में बता रही थी, जिनकी मुझे कंपनी मिलने वाली है, मुझे देख के ब्लॉगिंग करते हुए देख के हंस रही है। और दीदी बेचारी ये तबीयत खराब हो गई, मनीषा दीदी उनके बगल में लेटी हुई है, अभी दवाई खाया है दीदी ने जबरदस्ती, हम लोगों ने बिस्किट खिला के दवाई खिलाई है। इधर शांति दीदी, सब लोग अभी बिजी बिजी हैं। ये गोलू, गोलू के गोद में किसका बेबी है? ये साक्षी की बेबी है। हाँ ये माँ और ये बेबी दिखाती हूँ चेहरा दीदी। मीसू दीदी देख लेंगी ना तो हम लोग मार देंगे कि अपने ब्लॉग के चक्कर में मेरे बच्चे को उठा दिया। तुरंत तो भी ये देखो, हाँ अच्छी बच्ची है। दीदी की तबीयत अभी पहले से थोड़ा अच्छा है, मगर डॉक्टर को दिखाया ही था, इंजेक्शन भी लग गया था रास्ते में, जूस वूस भी पिया था हमने। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था जिस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बाकी आगे कोशिश रही कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूं। अभी मैं नहा ही नहीं हूं, मैं नहाने जा रही थी पर मेरे दोस्तों ने, मेरी दीदी ने बोला कि अभी रहने तो पहले खाना वाना खा लो फिर आराम से नहाना। ये हमारी प्यारी शांति, ओहो कैमरा ऑन होते ही बंद हो गया। ये इधर से उनको गाइड कर रही थी कैसे नाचना है। नाची एक बार हल्दी का, हाँ हाँ हमारी तरफ नाचते हैं ना ऐसे, ढोलक बजता है तो समझ गई कि मन कंफर्टेबल है बेचारे के। मैं तो मस्त नाचती हूँ एकदम। तो अभी हम लोग चिल कर रहे हैं, जब हम लोग साथ हैं तो किसी और की जरूरत।
तो अभी हम लोग नहा के आ गए और तीनों लोगों ने वेस्टर्न पहने और हम दोनों का तो मेरा और गुरु का तो बहुत ही मैचिंग है। हाँ, दोनों ने दिखा देते हैं इनका भी, मतलब बेसिकली हम तीनों ने वेस्टर्न पहना हुआ है और इधर बेचारी पीछे दीदी जूस पी रही है, अभी तक बीमार भी है ना, इंडियन एनिवेस्टर ने पता नहीं क्या पहनी, चादर ओढ़ के बैठी है। और एक स्पेशल गेस्ट भी आ गए हैं। स्पेशल नहीं है, गेस्ट नहीं है जी, आपकी बहन है किट्टो दीदी और वंदना दीदी। और वंदना दीदी, और मुझे सच में लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यूट्यूबर है तो थोड़ी ईगो होगी, पर बिल्कुल नहीं लग रहा है ईगो, मुझे ईगो क्या करेंगे करके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीदी से पहले भी मिल चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मिल रहा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बेचारी दीदी की वजह से हम थोड़े से परेशान हैं। ये छोटी आज सबने मैचिंग का कपड़ा पहना है, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, वो रील में आपको दिखेगा, रील खेलेंगे, इसे रानी करके चल रही हूँ, बुला रही हूँ, रानी करके नहीं चल रही, जैसे हमारे वैसे मैं और साक्षी लॉन्ग स्कर्ट पहने, ये हमारी फ्रेंड है ना, तो इसलिए हमने अभी बने हो ना, नहीं कुछ